What's up guys, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और लश पश होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब लोगों के जहन में ये क्वेश्चन लाजमी होगा कि आपको इस रमज़ान के महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को आप गाइस लाजमी दबाएँ ताकि जिससे मेरी तमाम न्यू वीडियो की एपिसोड की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें एंड लीव अ कमेंट बिलो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड जिम बडीज। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें सहरी में ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमारा मसल लॉस ना हो और हमारा वेट जो है ना वो लूज ना हो। सो इसमें गाइस आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से नीचे नहीं आना। मेंटेनेंस कैलोरी हर किसी की डिफरेंट होती है, आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आपकी डिपेंड करती है हाइट पे, वेट पे। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी नहीं पता तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहाँ पे एक लिंक दिया है जिस पे आप क्लिक करें और वहाँ पे अपना वेट, अपनी हाइट, ये सारी चीज़ें जो है आप लिखेंगे तो आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएंगी कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है और क्या होनी चाहिए। सो गाइस इस टाइम पीरियड में रमज़ान के महीने में हमें एक चीज़ का जो ख्याल रखना है वो है कि हमारी बॉडी को वो तमाम न्यूट्रिशन मिले, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सारी चीज़ें उसको बैलेंस में मिले ताकि आपकी बॉडी वेट को लूज होने से और मसल को लूज होने से बचा सके। सो इसके लिए क्या खाना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास एक थोड़ा सा क्या कहते हैं प्लस पॉइंट है एज कम्पेयर टू फैट लॉस। फैट लॉस की डाइट इसमें थोड़ी सी स्ट्रिक होगी, नॉट सो मच बट थोड़ी सी स्ट्रिक होगी कुछ चीज़ों में, उन्हें अपने टेस्ट पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट सो सबसे पहले जो मैं आपको डाइट प्लान बताने जा रहा हूँ, ये डाइट प्लान इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होगा। उसमें तमाम इंपॉर्टेंट विटामिन, मिनरल्स लाजमी होंगे जो आपकी बॉडी की हेल्प कर सकते हैं थ्रू आउट दिस 10 से 12 या 13 घंटे का जो टाइम पीरियड जिसमें आप कुछ नहीं खा सकते, उसमें आपकी बॉडी की हेल्प कर सकता है। तो इस मील में जो सबसे पहले मैं आपको देने जा रहा हूँ मसल मेंटेनेंस और वेट लूज से बचने वालों को, इस टाइम पीरियड में सब अच्छा और टेस्टी खाने की कोशिश करते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ब्राउन ब्रेड या फॉर एग्जाम्पल आप ब्राउन आटे की रोटी खाएं। अगर वो नहीं है तो आप नॉर्मल एक से दो पराठे जो है वो आप इसमें खा सकते हैं। बेहतर आपके लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपके ब्लड में शुगर के लेवल को यकदम नहीं बढ़ाते और वो स्लोली स्लोली आपकी बॉडी के अंदर ऐड होते जाते हैं। पराठों को नहीं छोड़ सकते तो आप एक से दो पराठे खा सकते हैं, साथ में 1 कप ऑफ योगर्ट। योगर्ट गाइस आपके लिए बहुत लाजमी है क्योंकि उसमें तमाम विटामिन, मिनरल्स और वो तमाम इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो आपकी बॉडी को डाइजेशन वगैरह के लिए चाहिए होते हैं। इसके साथ आप 3 to 4 आप एग्स ले सकते हैं। एग्स को आपकी मर्जी, आप ऑमलेट बनाएं, उनको स्क्रैम्बल बनाएं, फ्राई करें या जिस तरह भी आप चाहे आप उनको बना सकते हैं। साथ में 1 कप ऑफ नट्स गाइस, नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि नट्स में वो तमाम विटामिन और मिनरल्स हैं और फैट्स हैं जो कि बहुत अच्छी है आपकी बॉडी के लिए। सो उसको लाजमी ऐड करें, 1 कप ऑफ नट्स गाइस लाजमी एंड 1 कप ऑफ फ्रूट। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया कि मसल मेंटेनेंस और वेट लूज ना होने वालों के लिए थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है कि वो थोड़ा सा चीट कर सकते हैं, और 1 कप ऑफ मिक्स फ्रूट जो कि अराउंड 100 to 120 ग्राम होगा तो आप उसको अपने डाइट में लाजमी ऐड करें। और साथ में गाइस अगर आपके पास वे प्रोटीन है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम, 30 to 40 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन। सो अब हम अपनी एपिसोड के सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं जिसमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से आप अपने फैट को लूज कर सकते हैं, अपने वेट को कम कर सकते हैं। सो हियर गाइस यू हैव टू लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर टेस्ट। आपको फॉर एग्जांपल जहाँ पे दूसरे लोग पराठे वगैरह खाते हैं या फैट से भरी हुई सारी चीज़ें खाते हैं, आपको यहाँ पे उस पर थोड़ा कंट्रोल करना है। नॉर्मल बेस्ट टाइम है आपके पास ब्रेड, ब्राउन ब्रेड को यूज़ करने का, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करने का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले 2 to 3 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड गाइस, साथ में 3 to 4 एग्स, अगेन आप उसका ऑमलेट बना सकते हैं, आप उसको नॉर्मल फ्राई या स्क्रैम्बल जिस तरह चाहे आप वो कर सकते हैं। 1 कप ऑफ फ्रूट्स गाइस, फ्रूट्स में यहाँ पे यू हैव टू अ लिटिल बिट केयरफुल, आपको ऐसा फ्रूट खाना है जो कि लेस इन कैलोरीज हो। सो बेरीज जो है बहुत अच्छी हैं, ब्लैक बेरीज, ब्लू बेरीज, वो बहुत अच्छी है आप इसमें आपके लिए। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप 1 एप्पल, 1 सेब को ऐड कर लें, और साथ में 1 कप ऑफ नट्स। नट्स अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि आप कैलोरीज डेफिसिट में हैं सो आपकी बॉडी को तमाम न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए 1 कप ऑफ नट्स गाइस मस्ट है और श्योर है कि आपको वो लाजमी अपनी डाइट में ऐड करना है। अगर तो आपको ग्रीक योगर्ट मिल जाती है सो इट्स वेरी गुड, परफेक्ट टाइम है आपके लिए, और अगर नहीं मिलती तो आप नॉर्मल योगर्ट को भी ऐड कर सकते हैं, इट्स ओके।
सो अगेन ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज अबाउट रमजान, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी को बजाएं ताकि आपके पास नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन लाजमी पहुंच सके। एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड योर जिम बडीज। सो वी गोना सी अस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, पीस आउट।